संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति जाति करते रहते हैं, लोकसभा में जाति पूछने पर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम किया है, ये देश में हिंसा भड़काने और अराजकता फैलाने के लिए उकसाते हैं, देश को कमजोर करने के लिए काम करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करती है। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा करता है वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं, देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? अब अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं, वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं हर सुबह शाम जाति जाति, और इन लोगों का जाति नहीं पूछ सकता, ये देश से बड़ा है, ये पार्लियामेंट से बड़ा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत का इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस, यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं।